हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ सुरेंद्र, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सोलर सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे। ये है आपके सिलेबस में सोलर सिस्टम, जिसमें दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया फर्स्ट वाला टॉपिक सौर परिवार। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, और कुछ लोगों को अच्छा लगा इस वजह से मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। दोस्तों आज पढ़ेंगे अपसौर और अपसौर, यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा मैं, फिर कभी भी आप इन चीज़ों को भूलोगे नहीं। तो शुरू करते हैं उपसौर और अपसौर। दोस्तों ये है खाली पेज और यहाँ पर अपन अध्ययन करना शुरू करेंगे। अपसौर दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा जा रहा है उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि अपसौर और उपसौर, अपसौर देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि उप यानी जैसे उप प्रधानमंत्री होता है, यानी छोटा छोटा हो सकता है ना, छोटा उप प्रधानमंत्री होता है, उप सरपंच होता है, जहां उप लग जाता है, उप लग जाएगा आगे तो उसका मतलब है वो छोटा। अप यानी बड़ा, अप यानी क्या होगा बड़ा, यहां पर मैं बता देता हूं आपको, ये हो गया बड़ा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने ये शब्द याद रख लिए छोटा और बड़ा, उप यानी छोटा और अप यानी बड़ा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब ये क्या कॉन्सेप्ट है मैं बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं अपन उपसौर। उपसौर क्या है, देखो पृथ्वी क्या है, सूर्य के परिक्रमा करती है। मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है तो पृथ्वी इसकी परिक्रमा करेगी दोस्तों, यूं करके इस वलयाकार पथ में। यहाँ पर पृथ्वी है, देखो ये है यहाँ पर पृथ्वी, अगर सूर्य की परिक्रमा कर रही है ये पृथ्वी, पर इसका डिस्टेंस अगर सूर्य से, ये है सन, यहाँ लिख दूँ मैं आपको, ये सन है और ये क्या है पृथ्वी, ये पृथ्वी है। अगर पृथ्वी और सूर्य का डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये न्यूनतम है, यहाँ पे दूसरे कलर से, ये न्यूनतम है, देख लीजिए ये न्यूनतम है, तो उस स्थिति को बोलेंगे उपसौर। क्या बोलेंगे उपसौर। पर अगर कंडीशंस अलग हो जाती है, देखो कंडीशंस क्या हो जाती है कि ये तो हो गया सूर्य, ठीक है, और एक ही कलर से बताता हूँ देखो मैं आपको, अब ये सूर्य हो गया और यहाँ पर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, और पृथ्वी हो गई यहाँ पर, पृथ्वी कहाँ पर है यहाँ पर, तो यहाँ का डिस्टेंस है ना जो क्या है अधिकतम हो गया, डिस्टेंस अधिकतम हो गया, ये सन हो गया और ये अर्थ हो गई, ठीक है, अर्थ ही हो गई। इनके बीच का जो डिस्टेंस है अधिकतम होने पर इस स्थिति को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपसौर। अपसौर इस स्थिति को बोलेंगे अपसौर, पहले वाली उपसौर। उपसौर स्थिति में क्या होगा, देखो यहाँ पर इस कलर से बताता हूँ मैं आपको, ये वाली अगर पृथ्वी यहाँ पर है तो उसको बोलेंगे उपसौर, उप यानी छोटा बताया था ना मैंने, इसी वजह से यहाँ पर डिस्टेंस कम होगा, सूर्य का और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम होगा। ये क्या है परिक्रमण, परिक्रमण गति कर रही है पृथ्वी, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है किसकी, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उस कंडीशंस में ये दोनों शब्द यूज होते हैं अपसौर और अपसौर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को कि ये कब आएगी और ये कब आएगी दोस्तों, इसको भी आप देखो, ये आएगी 4 जुलाई को, कब आएगी 4 जुलाई को, 4 बड़ा है ना, और ये आएगी 3 जनवरी को, 3 जनवरी, 3 जनवरी को ये स्थिति आएगी, 3 जनवरी, 3 उप यानी छोटा, ये ध्यान रखना है उप यानी छोटा तो कम डिस्टेंस है सूरज और पृथ्वी का, और 3 छोटा है 4 से, तो उपसौर 3 जनवरी को होगा, ये बात है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 3 जनवरी को क्या होगा उपसौर होगा, और 4 जुलाई को अपसौर होगा। आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर ये फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को कि आपके जो कॉन्स्टेबल का सिलेबस है उसमें से अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, संडे को आपकी डिमांड के अनुसार वीडियो अपलोड किए जाएंगे, कम से कम 3 वीडियो अपलोड किए जाएंगे जो आपकी डिमांड के ऊपर होंगे, पर आपको करना क्या है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।